दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। लोगों द्वारा छोड़े गए बेसहारा बेजुबान कब तक जगह जगह सड़कों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहेंगे, यह सवाल उस समय हर एक शख्स की जुबान पर आ गया जब नेरवा बस स्टैंड में किसी अज्ञात बस चालक ने गाय को बुरी तरह कुचल डाला। बस के नीचे आने से गाय की तीनों टांगों में मल्टी फ्रैक्चर हो गया जबकि चौथी टांग भी चोटिल हो गई। परिवहन निगम के कुछ कर्मचारी व स्थानीय युवक चोटिल गाय को उठाकर एक शेड में ले गए जहां इन लोगों ने इसे प्राथमिक उपचार दिया। पशुओं के इस तरह तड़प तड़प कर मरने से न केवल सरकार की 200 करोड़ की कान्हा गौशाला योजना और 165 करोड़ रुपए की छुट्टा आवारा गोवंश जैसी योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन की ओर से मां शूलिनी मेले की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन कम समय में ही प्रदेश के नामी आभूषण निर्माताओं में हो गया है शुमार। गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की बना पहली पसंद। यहां ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों के लिए सुनिश्चित उपहार। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता बताते हैं कि त्योहारों के सीजन में विशेष उपहार योजना के तहत दिए गए ढेरों इनाम। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।